हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेश किस्को और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फुटबॉल रुचिका। तो चलिए फ्रेंड्स, फुटबॉल रुचिका यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। हमारे इस मंच पर हुआ, इस क्रम में हमारा बीच अभी अभी डमरिया प्रखंड सूत्री उपाध्यक्ष बड़े भाई राम हासपा जी का भी आगमन हो चुका है। उनका भी हम एसकेएमसी कांगड़ा मोड़ तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एवं फूल महा क्रांति दिवस की इन्हें बधाई अर्पित करते हैं। छुट्टी है आम माने जान हाँ फल तो फल आम मगर आम मारम जो मार जो बोलो इस मैच के बाद अगला मुकाबला के लिए सेकंड सेमीफाइनल के लिए हरियरपुर एफसी बनाम पीकेएमसी पालीडी आप दोनों टीम पूरी तरह तैयार होकर आएंगे। अगला टीम पूरी तरह तैयार होकर आप लोग आएंगे तकनीकी क्षेत्र में हरियरपुर एफसी बनाम पीकेएमसी पालीडी। Come on, come on.
इसलिए शुरुआत अगला मैच सेकंड से फाइनल हरिहरपुर एफसी बनाम डीकेएम से पाली। अब दोनों टीम पूरी तैयारी के साथ टेक्निकल जोन पर टीम को स्थापित करेंगे। मैदान के बीच में सराहनीय स्कोरिंग 0-1 से मत को हासिल किया है। फिलहाल ये जीएफसी बात करने की कोशिश इस समय पर चुनौती चैलेंजिंग को स्वीकार रही है। फिलहाल एक अच्छा मौका लगे इस बार अच्छी शॉट लगी पर गेंद को रोकने में सफल रहा। फिर से यहाँ पर आगे जाकर जो प्रेम दूसरा गोल बचता यहाँ पर एक मजबूती स्थिति पर वापसी किया है टीम एक ब्रांड में सफल रहा रिहान स्पोर्टिंग साल्डी। कुछ ही से समय बची हुई यूजीएफसी मातकों की टीम के लिए सिर्फ खेल औपचारिकता देने में ही यहां पर समय की परी समाप्त होगी। इस तरह के कुछ शेष समय बची हुई है। फिलहाल अब देखना होगा कि बचे हुए समय पर क्या यहां पर यूजीएफसी मातकों ने अपने टीम को यहाँ पर समय की परिसमाप्त इस प्रकार से रिहान स्पोर्टिंग शाली ग्रैंड फिनाले।